नवी मुंबई शहर में घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ज्यादातर घटनाओं के पीछे का कारण सुरक्षा पर ध्यान ना देना है। ऐसे ही एक घटना शुक्रवार को हुई, जब BST के 504 नंबर की बस में से अचानक वाशी गांव के करीब धुआं निकलने लगा, जो कि वडाला डिपो से जलवायु विहार खारगर की ओर जा रही थी। बस में आग बुझाने का यंत्र मौजूद था, पर ड्राइवर को इसे इस्तेमाल करना नहीं आता था। फौरन दमकल दल को संपर्क किया गया और घटना स्थल पर दमकल दल पहुंची, जिसके बाद इस धुएं पर काबू कर प्रॉब्लम को सुलझाया गया। आग लागली, त्वरित ते घटनास्थळी गेलं असं, तर तिथे सतत गाडीचं कुरंट वाटत होतं, पाईप फाटल्यामुळे आणि सतत गाडी जसं गरम झाल्यामुळे गाडी त्या लोक जे काही ठिकाण न थांबता वाशीगावून थांबले, त्याच्यामध्ये ते कुरंट पाणी थांबलं, इंजिन फुल गरम झाला, त्याच्यातून धुराच्या वाफा येऊ लागल्या। त्यांच्या सुविधा आहे पण त्यांना प्रशिक्षण काय दिलेलं नाही, त्यांना कुरंटचं वॉटर पाणी थांबलं तर काय करायला पाहिजे। तर डेपोतून गाडी निघण्याच्या अगोदर चेक करायचं काम आहे, त्यांचं पहिलं काम आहे व्यवस्थाची जानकारी घेतली। घटना को टालने के लिए सुरक्षा यंत्र के इस्तेमाल को सीखना बस ड्राइवर के लिए बेहद जरूरी है, पर BST बस के ड्राइवर को इन यंत्र के उपयोग का प्रशिक्षण नहीं दिया गया, जो कि बेहद चिंताजनक बात है। ये बात खुद बस के ड्राइवर ने कही। बस लगा लगला गाड़ी लगे थाम बस हेचर वडा जलवायु प्रवासी। सुरक्षा यंत्र के इस्तेमाल की प्रशिक्षण ना देना बेहद गंभीर बात है, इस कारण बड़ी दुर्घटना भी घट सकती है। इस घटना में तो खुशकिस्मती से कोई जख्मी नहीं हुआ, पर हर बार किस्मत इतनी मेहरबान नहीं होती। नवी मुंबई आवाज़ ब्यूरो रिपोर्ट।